तो नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो है वेट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये क्या है, कहते हैं वेट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय वेज रिजिडिटी अबाउ इक्विलिब्रियम लेवल एंड जॉब रैशनिंग। तो कहने का मतलब क्या है, वेज रिजिडिटी, वेज रिजिडिटी का मतलब है कि वेज फिक्स हो गई और वो कहाँ पर फिक्स हुई है, इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर फिक्स हुई है और जॉब रैशनिंग है। अब देखो जॉब रैशनिंग का मतलब क्या है, जॉब रैशनिंग का मतलब है कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो ज़्यादा है डिमांड ऑफ लेबर से, यानी जो वेज रेट चल रहा है इस टाइम उस वेज रेट पे लेबर ज़्यादा मौजूद है लेकिन डिमांड कम है, और वर्कर्स जो हैं वेट कर रहे हैं कि जॉब उनको कम मिलेगी, तो वो वेट वेट अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी उनको पर्टिकुलर जॉब पर्टिकुलर वेज रेट पे बहुत सारे वर्कर्स अवेलेबल हैं, लेबर ज़्यादा है डिमांड कम है, लेबर की सप्लाई ज़्यादा है और लेबर की डिमांड कम है और वो लोग जो हैं वर्कर जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि उन्हें कब जॉब मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये एक डायग्राम बनाया हमने इसी का, वेट और स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट का कैसे है ये देखो, ओएल ओएल सिचुएशन देखो, ये ओएल ओएल क्या है, ये वो लोग हैं जो कि तैयार हैं जॉब करने के लिए, जो काम करने के लिए तैयार है पर्टिकुलर वेज रेट पे। ठीक है, एसएल एसएल जो है वो सप्लाई है लेबर की, ये एसएल है जो कि इनलास्टिक है यानी तैयार लोग हैं अवेलेबल है। ठीक है, ओएल लेवल पर, और डीएल जो है वो है डिमांड है। तो यहाँ पे जो इग्रम पॉइंट है ये एसएल है ये डीएल है, ये दोनों क्या हैं बराबर है, यानी जितनी डिमांड है लेबर की उतनी सप्लाई है, या फिर जितनी सप्लाई है लेबर की उतनी ही मार्केट में डिमांड है। ठीक है, अब ये ओ डब्ल्यू पॉइंट है, ओ डब्ल्यू ये वेज रेट है, ये वो वेज रेट है जिस वेज रेट पे हमारी डीएल और एसएल दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हमारी इक्विलिब्रियम वेज रेट है। अब क्या हुआ कि रियल वेज लेवल जो है वो रिजिड कर दिया और ओ डब्ल्यू बस वन पर फंस गई, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का देखो, गवर्नमेंट ना एक मिनिमम वेज रेट फिक्स करती है हर एक लेबर के लिए, जो है लेबर के लिए जो है मिनिमम वेज रेट फिक्स होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये जो मिनिमम वेज रेट है वो जो है इक्विलिब्रियम वेज रेट से ज़्यादा हो सकता है, तो इस वेज पे डिमांड जो है वो ओ एल वन है। अब देखो ये ओ एल वन है डिमांड, ये इस वेज रेट पे ये ओ एल वन जो है डिमांड है। अब ये डिमांड हो गई कम, सप्लाई तो ज़्यादा है, तो ये जो बीच का जो गैप बना ये हमारा क्या है, वेट अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये जो बीच का गैप दिखाई दे रहा है, आगे बात समझ में, इसे बोलते हैं वेट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब बातें इनकी वजह क्या है, देखो जो मैंने अभी पॉइंट बोल रहा था मिनिमम वेज लो, हर एक गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर कंट्रीज में जहाँ पे लेबर है वहाँ पर जो मिनिमम वेज लो चलता है कि भाई इतनी वेज तो होंगी होंगी, तो गवर्नमेंट पास करती है मिनिमम वेज लो को, क्यों क्यों करती है, कि भाई वो प्रोटेक्ट करें वर्कर्स को, क्योंकि उनका एक्सप्लोइटेशन ना हो, एम्प्लॉयर ऐसा ना हो कि काम ज़्यादा करा लें और जो है वेजेस कम दें, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है उनका मिनिमम वेज रेट या फिर उसको फ्लोर वेज रेट भी बोलते हैं उसको फिक्स कर देती है कुछ इंडस्ट्री के लिए या फिर कुछ कैटेगरी वर्कर्स के लिए। ठीक है, कानून पास कर देती है। अब ये जो लॉ है ये वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किया गया है और ये पर्टिकुलर रिलेवेंट है अनस्किल्ड एंड इनएक्सपीरियंस वर्कर के लिए। अनस्किल्ड कौन होते हैं, जो कोई टेक्निकल हैंड नहीं होते, जिन्होंने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली होती, जैसे ये जो गड्ढे वड्ढे खोदते हैं वगैरह, ये इनका कोई इनके पास कोई भी जो है टेक्निकल स्किल नहीं होता, तो ये ज़्यादातर किसके लिए होती है, पर्टिकुलरली अनस्किल्ड और इनएक्सपीरियंस बंदों के लिए वर्कर्स के लिए होती है, और ये एक लोवेस्ट वेज रेट हो जाता है कि भाई ये जो है एक लोवेस्ट वेज रेट है। ठीक है, और बाकी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज जो है वो बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा अर्न कर लेते हैं मिनिमम वेज से। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेज लॉ इज टू प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इंडिया में मिनिमम वेज एक्ट जो था वो 1948 में पास हो गया था और वो बार बार रिवाइज होता गया, आज तक रिवाइज होता चला आ रहा है। ठीक है, तो जो लॉ जो ये लॉ है वो हायर वेज रेट अनस्किल्ड बंदों को और सम सेमी स्किल्ड वर्कर को मिल जाता है। ठीक है, हायर वेज डज इम्प्रूव द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ दीज वर्कर, उससे जो है हाई वेज रेट अगर ये फिक्स हो जाता है तो इससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है वर्कर्स की। ठीक है, अब होता क्या है इससे, मान लो उन्होंने हाई वेज रेट फिक्स कर दिया तो जो इफेक्ट क्या रहेगा, लीगल वेज रेट में इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि 1948 से बार बार वो बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इफेक्ट जो पड़ेगा वो क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है,
यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो और भी ऐड उसमें होते जाएंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो वर्कर्स हैं जो कि हायर वेज रेट पे हैं उनकी कोई डिमांड नहीं रहेगी। ये देखो ना, हायर वेज रेट पर उनको अगर स्किल्ड बंदे मिल रहे तो स्किल्ड बंदे ले लेंगे ना, वो अनस्किल्ड बंदे क्यों रहेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है टैक्स क्रेडिट जो है ज़्यादा बेटर तरीका है आप जो है इन गरीबों को हेल्प करने के लिए, कि आप वेज रेट फिक्स करो, इससे अच्छा टैक्स क्रेडिट दो। इस स्कीम में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है पेमेंट देती है, पेमेंट देती है लो इनकम फैमिली वालों को। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जो है टैक्स के थ्रू इकट्ठे करती है। ठीक है, द लो इनकम फैमिली द क्रेडिट एक्सीड इट्स टैक्स इन इंडिया, पीपल विद इनकम अप टू ₹1 लाख आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, हाउएवर अ सीनियर सिटीजन इज नॉट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये सिचुएशन है जिसके थ्रू जो है वो टैक्स में क्रेडिट दे सकते हैं। दूसरी वजह है मोनोपोली पावर ऑफ यूनियन। अब जो यूनियन है, यूनियन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स है। यूनियन क्या होती है, वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सबको रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिवली। ठीक है, और इनका गोल क्या होता है कि भाई ये जो वर्क मेंबर हैं इनके, उनके मेंबर को जो है कोई नुकसान ना हो। ठीक है, वेज वगैरह अच्छे से मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले। ठीक है, और यूनियन जो यूनियंस हैव बिकम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स अफेक्टिंग द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्री इंक्लूडिंग मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो यूनियंस क्या हो गई आजकल, वो जो है बहुत, देखो यूनियन जो होती है वो बड़ी पावर में है, जितनी भी इंडस्ट्री है सबके अंदर यूनियन होती है। ठीक है, और ज़्यादातर फॉर्म फॉर्म जो होती हैं यूनियंस को पसंद नहीं करती, क्योंकि यूनियन ना अपनी डिमांडें बहुत रखते हैं और अपने फायदे के सोचते हैं। कई बार तो यूनियन के जो लीडर वगैरह होते हैं अपना फायदे के लिए बहुत कुछ कमा के खा के बैठ जाते हैं और वर्कर्स को भड़काते रहते हैं। तो जो यूनियन का इम्पैक्ट है वो, वी हैव अ थ्योरी ऑफ व्हाट यूनियंस ट्राई टू डू। यूनियंस डू नॉट हैव अ सिंगल गोल, यूनियन का सिंगल गोल नहीं होता। दे वांट टू मैक्सिमाइज बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट, वो रोजगार और मजदूरी रेट को बढ़ाना चाहते हैं। हाउएवर गिवन गिवन द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ लेबर, अ हायर वेज रेट इम्प्लाई लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन हम लोग जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग का डिमांड कर्व लेबर है, हायर वेज रेट पे जो है कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सिंपल है, वेज रेट अगर बढ़ जाएगा तो जो फॉर्म के ओनर्स वगैरह होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो कम लोगों को ही रखते हैं। इन अदर वर्ड्स, यूनियंस कैन नॉट हैव बोथ हायर वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यूनियंस के साथ कभी भी जो है हायर वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। दे हैव टू डिसाइड देयर ऑब्जेक्टिव एंड द पर्टिकुलर ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू बॉस। उनको जो अपना जो है ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या लेके चलें, हमको ज़्यादा वेजेस चाहिए या हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ज़्यादा वेजेस पे क्या होता है कि लो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वेट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनती है। तो जनरल यूनियन यूज वराइटी ऑफ मेथड, बहुत सारे तरीके अपनाती हैं अपनी वेजेज और वर्किंग कंडीशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं ओनर्स के साथ। तो इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ एनी बार्गेनिंग प्रोसेस और वेजेज एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड क्रूशियली ऑन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ यूनियन लीडर्स एंड फर्म मैनेजमेंट। अब यूनियन लीडर और फर्म मैनेजमेंट में कैसी आपस में रिलेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई इनको क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या प्रोसेस का फ़ायदा निकलेगा बार्गेनिंग प्रोसेस का। और ज़्यादातर फाइनल एग्रीमेंट जो होते हैं वो जो है इतने लेवल से ज़्यादा ही वेजेज राइज हो जाती हैं। अब जो है वही सिचुएशन है, सिंपल सी बात है, अगर जो वेजेज जो एक्सट्रीम लेवल से हाई हो गई हैं तो वर्कर्स ज़्यादा वेट अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का रेट गिर जाएगा लेकिन वेजेज का रेट बढ़ गया। आगे आती है एफिशिएंसी वेजेज। एफिशिएंसी वेजेज जो है वो एक हाई वेजेज की वो है, अबाउट द लेवल दैट बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई, मेक वर्कर मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। क्या कहते हैं भाई, एफिशिएंसी वेजेज वो है कि भी जो वेजेज हैं इक्विलिब्रियम वाली, उससे ज़्यादा वेजेज देंगे, उससे क्या होगा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी वर्कर्स की। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वेज रेट और प्रोडक्टिविटी का। तो ज़्यादा वेज देंगे तो हाँ वो बड़े जोश में काम करेंगे, इससे रिजल्ट में क्या होता है कि फर्म जो है वो वेजेज को काटते नहीं है और सप्लाई ऑफ लेबर की एक्सेस हो जाती है। इफ़ अ फर्म रिड्यूस वेजेज, सिंपल से आते हैं, देखो वो जो वेजेस दे रहे हैं अगर वो अपने वर्कर्स को ज़्यादा वेज देना शुरू कर देंगे, तो जिन वर्कर्स को ज़्यादा वेज दे रहे हैं उनकी जगह किसी और को तो रखेंगे नहीं। और तो चार एक्सप्लेनेशन आती है एफिशिएंसी वेज थ्योरी पे। पहली क्या है, पहला कहता है कि जो एफिशिएंसी वेज थ्योरी है, अगर गरीब कंट्रीज में लगाया जाए, पुअर कंट्रीज में अप्लाई किया जाए, तो हायर वेजेस का मतलब है उनको बेटर लिविंग मिलेगी, उनको अच्छा खाना मिलेगा, वो मेंटली और फिजिकली साउंड बॉडी हो जाएंगे, और जिससे उनकी जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
और दूसरा पॉइंट कहता है कि एफिशिएंसी वेज थ्योरी अगर अप्लाई की जाए एडवांस कंट्री में, ठीक है, यानी कि जो एडवांस कंट्री है, अमीर कंट्री है, और हायर वेज रेट जो है, इससे क्या होगा कि उससे जो है लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा, यानी जो है जो हमारा जो लेबर है वो बार बार जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, हमको नए बंदे नहीं रखने पड़ेंगे, फॉर्म को नए बंदे नहीं रखने पड़ेंगे, फॉर्म का टाइम बचेगा जो उनको जो ट्रेनिंग और हायरिंग में लगता है, ठीक है। हाई वेज रेट जो है एक तरीके से इंसेंटिव है वर्कर्स के लिए, किस लिए, कि वो फॉर्म में ही स्टे करें और इधर उधर जो है ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढें, ठीक है। यानी पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट कह रहा था कि जो पुअर कंट्री है वहाँ पे अगर लगाएंगे तो बेटर लिविंग मिलेगी, बेटर खाना मिलेगा, वो मेंटली और फिजिकली साउंड हो जाएंगे, उससे जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एफिशिएंसी वेज थ्योरी अगर हम अप्लाई करेंगे एडवांस कंट्री में तो उससे क्या होगा कि लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा और जो फॉर्म का जो खर्चा होता है लोगों को हायर करने का और उनको ट्रेन करने का वो रिड्यूस हो जाएगा, और हाई वेज रेट जो है वर्कर्स के लिए एक इंसेंटिव जैसे होता है कि वो फॉर्म में स्टे कर सकें और इधर उधर काम नहीं ढूंढना जाए, ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना। तीसरा पॉइंट कहता है कि इकोनॉमिक्स मेंटेन करते हैं कि हाइयर जो अगर हाइयर वेज रेट देते हैं तो उससे क्या होता है एडवर्स सिलेक्शन खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एडवर्स सिलेक्शन क्या है, एडवर्स सिलेक्शन ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये जब अराइज होती है जब प्रोडक्ट जो है अलग अलग क्वालिटी के होते हैं और सिंगल रेट पे बेचे जाते हैं, इसको एडवर्स सिलेक्शन बोलते हैं। इस सिचुएशन क्या होता है जब लोग अलग अलग कैपेबिलिटी के होते हैं और उनको सेम वेज मिलती है, ठीक है, तो जो अच्छे स्किल लेबर होते हैं वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं और फर्म के बाद पास जो है कम स्किल वाले लोग जो है बच जाते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। तो हायर वेज रेट जो है वो क्या करती है, रिड्यूस करती है एडवर्स सिलेक्शन को। फोर्थ पॉइंट आता है कि इकोनॉमिक्स ये भी कहते हैं कि अगर हायर वेज रेट दी जाए तो जो मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। अगर मोरल हजार्ड की सिचुएशन होती क्या है, मोरल हजार्ड जब होता है जबकि हम लोग किसी को ना ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो सही तरीके से, जैसे कि फर्म जो है परफेक्टली तरीके से मॉनिटर नहीं कर सकती कि वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वर्कर्स जो है हो सकता है कि वो काम चोर हो गए हों, ठीक है, इस केस में फॉर्म उनको निकाल देगी और एक बार बंदा अगर निकल जाएगा तो जो है उसको वेज का लॉस हो जाएगा। और एक इकोनॉमिक्स कहते हैं कि लेकिन अगर वेजेस ज़्यादा रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और जो है उनके ज़्यादा